नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे भारत के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हेतु अपनाए गए उपायों को लेकर, और अंत की जो पंक्ति थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे फेरा और फेमा पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, अगला जो उपाय भारत सरकार के द्वारा किया गया वो उपाय था कि फेरा 1973 के स्थान पर फेमा 2000 लाया गया। ठीक है, क्या है फेमा और क्या है फेरा और क्या इनके नियम हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपका एक नेक्स्ट जो पॉइंट था कि फेरा 1973 के स्थान पर फेमा 2000 जो है वो भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक उपाय के रूप में, किसके उपाय हेतु, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के उपाय हेतु। ठीक है, तो देखें अगली बात, सबसे पहले साथियों अपन बात करेंगे फेरा को लेकर, है ना, कि फेरा क्या है। फेरा का एक तो आपको पूरा नाम याद रखना है, सबसे पहली बात फेरा का पूरा नाम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक्ट 1973, ठीक है, हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, नियमन अधिनियम। ठीक है, 1973 ये इसका हिंदी में आपको थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना है फेरा को लेकर, कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में लाया जाता है, और विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम इसे हिंदी में हम कहेंगे 1973 के अंदर ये लाया गया। अब इसके जो नियम थे उनमें परिवर्तन करके फेमा 2000 को भारत के अंदर लागू किया गया 1 जनवरी 1994 से। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात समझे इसको लेकर, फेमा को लेकर, फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। ठीक है, इसे आप क्या बोलेंगे, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम साथियों हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने फेरा और फेमा इन दोनों का पूर्ण रूप केवल यहाँ पे लिखा गया है, और जैसा कि अपना बिंदु है पॉइंट क्या है आपका, कि फेरा 1973 के स्थान पर क्या लाया गया, फेमा 2000 लाया गया था। अब फेमा 2000 के अंदर विश्व व्यापार के अंदर क्या परिवर्तन किए गए, क्या नियम कानून शर्तें रखी गई, उन्हीं पर हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखें नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेमा के प्रावधान, फेमा के प्रावधान, कि फेमा के क्या प्रावधान रखे गए थे। ठीक है, फेमा के प्रावधान तो इस पर बात करते हैं, तो फेमा के प्रावधानों पर साथ जो बात की जाती है, तो सबसे पहले आपको याद करना है कि फेमा जो है इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी, क्या क्या नियम इसके बनाए गए थे। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं, पहला नियम, विदेशों में व्यापार करने के उद्देश्य से, विदेशों में व्यापार करने के उद्देश्य से $25,000 की राशि $25,000 की राशि
साथ ले जा सकते हैं, साथ ले जा सकते हैं। कौन ले जा सकते हैं? जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है वो, मान लो कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश के अंदर व्यापार करना चाहता है, तो वह व्यापार करने के उद्देश्य से $25,000 तक की राशि अपने साथ ले जा सकती है। सरकार इतनी सीमा तक आपको छूट देती है कि आप $25,000 तक की राशि को विदेश में कहीं अगर व्यापार आप करना चाहते हैं तो इतनी राशि जो है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा राशि अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो फिर आपको RBI से अनुमति या परमिशन की आवश्यकता होगी। अगर RBI आपको परमिशन नहीं देता है, उस कंडीशन में आप इससे अधिक जो अमाउंट है या इससे अधिक जो राशि है उसको आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आप लेकर चले जाते हैं और सरकार को मान लो पता चल जाए तो फिर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखें अगली बात। दूसरी जो इसमें प्रावधान किया गया वो किया गया कि विदेशों से प्राप्त उपहार या पुरस्कार राशि की सीमा $1,00,000 से बढ़ाकर $1,00,000 से बढ़ाकर $5,00,000 की गई। कितने की गई? $5,00,000 जो है वो की गई, ठीक है। इस लाइन का अर्थ क्या है कि मान लो किसी भारतीय व्यक्ति को किसी दूसरे देश के अंदर पुरस्कार या उपहार जो है वो दिया जा रहा है, और उस उपहार या पुरस्कार में मिलने वाली जो राशि है, अगर मान लो वो पहले $1,00,000 थी तो वो तो फेरा के अंतर्गत आती है। हम बात कर रहे हैं फेमा की, है ना, फेमा। तो फेरा में विदेशों से प्राप्त उपहार या पुरस्कार की जो राशि थी वो कितनी थी? $1,00,000, ये फेरा में थी, ठीक है। और इसे बढ़ाकर फेमा में क्या कर दिया गया? $5,00,000 कर दिया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश के अंदर ₹5,00,000 तक का जो पुरस्कार है वो उसे प्राप्त कर सकता है बगैर RBI के परमिशन के, ठीक है। और अगर RBI उसकी परमिशन नहीं देता है उसको, या इस पुरस्कार की राशि ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन में उसे RBI की परमिशन लेने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। लेकिन इतने रुपए तक, यानी $5,00,000 तक अगर वह व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है तो प्राप्त कर सकता है, इसमें उसे RBI से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तीसरा जो इसमें प्रावधान किया गया वो क्या था? तीसरा प्रावधान किया गया साथियों कि विदेशों में दान देने की सीमा, विदेशों में दान देने की सीमा, दान देने की सीमा को $1,00,000 से बढ़ाकर $5,00,000 किया गया, $1,00,000 से बढ़ाकर $5,00,000 किया गया, ठीक है। ये इसका तीसरा प्रावधान, तीसरा नियम, यानी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश के अंदर दान करना चाहता है किसी संस्था में या मान लो किसी व्यक्ति को, तो वह कितने रुपए तक का दान कर सकता है? $5,00,000 का दान कर सकता है। और ये प्रावधान है फेमा का। और फेरा में कितना था? $1,00,000 जो है उसका दान आप कर सकते हैं विश्व में किसी भी संस्था को या फिर किसी व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन अभी RBI जो है वो आपके इसकी जो सीमा निर्धारित कर रखी है उसने, या फेमा में इसकी जो सीमा निर्धारित की गई है वो कितनी कर दी गई है? $1,00,000 से बढ़ाकर $5,00,000 कर दी गई है, ठीक है। तो अभी कोई भी व्यक्ति भारत का विदेश के अंदर किस दान देने की जो उसकी सीमा है उसे $1,00,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? $5,00,000 कर दिया गया, ठीक है। फोर्थ इसका जो नियम है, चौथा जो इसमें प्रावधान किया गया वो क्या है? तो चौथा प्रावधान किया गया कि विदेशों में निवेश की सीमा, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, विदेशों में निवेश की सीमा को $1,00,000
से बढ़ाकर, $1,00,000 से बढ़ाकर, से बढ़ाकर $500,000, कितना $500,000 किया गया, $1,00,000 से बढ़ाकर $500,000 किया गया, ठीक है। अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति विश्व के किसी दूसरे देश के अंदर, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी संस्था में या किसी कंपनी के अंदर, है ना, तो वो उसकी जो सीमा थी उसे $1,00,000 से बढ़ाकर वर्तमान में कितना कर दिया गया है, फेमा 2000 के अंदर $500,000 किया गया। तो ये इसके चार प्रावधान थे, ठीक है साथियों। एक बार देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा कि विदेशों में व्यापार करने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो अपने साथ कितनी राशि साथ ले जा सकता है, $25,000, ठीक है। और अगली बात हम लोगों ने की, विदेशों से प्राप्त उपहार पुरस्कार की राशि की सीमा, अच्छा यहाँ एक हजार लिखेंगे साथियों, इसको क्या लिखेंगे, $1,000 $1,000 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया है उसको, $5,000, ठीक है ना, $1,000 से बढ़ाकर $5,000 किया गया, $1,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, $5,000, ठीक है। अर्थात कोई व्यक्ति विदेश में मान लो क्या करना चाहता है, उपहार वो प्राप्त कर रहा है, तो उसकी सीमा $1,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, $5,000, यानी इतना पुरस्कार आप प्राप्त कर सकते हैं बगैर आरबीआई के परमिशन के। यहां पर भी आप 1,000 याद रखेंगे। और विदेशों में मान लो वो दान देना चाहता है तो भी उसकी सीमा $1,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, $5,000 कर दी गई थी, ठीक है, $5,000। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देखें बिल्कुल ईजी है, चार शर्तें हैं यहां पर किसकी, फेमा के प्रावधान की, ठीक है। तो फेमा में प्रावधान किया गया, पहला प्रावधान क्या है कि विदेशों में व्यापार करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति अपने साथ $25,000 की साथ राशि जो है उसको साथ ले जा सकता है। दूसरी बात, दूसरा प्रावधान, विदेशों से प्राप्त उपहार या फिर कोई पुरस्कार, उस पुरस्कार की राशि की जो सीमा है उसे $1,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, $5,000 कर दिया गया। विदेशों में किसकी सीमा, दान देने की जो सीमा है उसे भी $1,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, $5,000। और अंतिम इसका जो प्रावधान किया गया वो क्या था, अंतिम चौथा प्रावधान क्या है कि विदेशों में निवेश की सीमा को $1,00,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया साथियों, $5,00,000 कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसे अगले बिंदु की। तो अगला बिंदु आप लोग सीखें, देखें नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अगर मान लें फेरा में क्या था, फेरा में पहले एक फेरा का नियम पढ़ते हैं। यदि यदि कोई व्यक्ति फेरा 1973 के नियमों का उल्लंघन करता तो उस व्यक्ति को पांच गुना आर्थिक दंड देना होता या भुगतान करना होता, तथा सजा भी भुगतनी होती, ठीक है। तो यहां समझे आप लोग, यदि कोई व्यक्ति किसका, फेरा 1973 के जो नियम थे जो भी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि $1,00,000 से बढ़ाकर $5,000, तो $1,000 किसकी लिमिट थी, फेरा में, जिसे फेमा में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, $5,000। ऐसे ही विदेशों में दान की सीमा $1,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, $5,000। ऐसे ही विदेशों में निवेश करने की सीमा $1,00,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, $5,00,000 फेमा में। तो फेरा में कितना था वो, $1,00,000 $1,000 $1,000 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगली बात समझे, अब इसमें फेरा में तो ये प्रावधान था, फेमा में क्या किया गया कि फेमा में आर्थिक दंड 3 गुना कर दिया गया, 3 गुना किया गया तथा
तथा सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक और भी परिवर्तन हुआ बड़ा रोचक। देखो फेरा के नियम बहुत ज़्यादा टफ थे, कठोर नियम थे फेरा के, कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति के निवेश करेगा, उपहार प्राप्त करेगा, तो उसको हम 5 गुना तो आर्थिक दंड की सजा लगाएंगे, ठीक है ना, और इसके अलावा उसे जेल में सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। दोनों उसके अंदर प्रावधान थे, लेकिन फेमा में थोड़ा सा इसको जो कानून था उसको थोड़ा सा लचीला बनाया गया और जो आर्थिक दंड था उसे 5 गुना से कम करके कितने कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। साथ में सजा का जो प्रावधान है उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया फेमा 2000 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आगे कही गई, अगर वह व्यक्ति जो फेमा 2000 के नियमों का उल्लंघन करता है और आर्थिक दंड चुकाने में सक्षम नहीं है, 3 गुना आर्थिक दंड नहीं चुका पा रहा है, तो उसे स्वयं के खर्चे पर सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी सजा के ऊपर जो खर्चा होगा ना जेल में रहने के दौरान, उसके ऊपर वो खर्चा उसे स्वयं को देना पड़ेगा और जेल में सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। ये फेमा का प्रावधान है। अब इससे अगली बात समझते हैं, नेक्स्ट आपका बिंदु क्या है। अब बात हम करेंगे बेटा, आपने पूरा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पढ़ा, ये नियम उपाय भारत ने जो किए वो पढ़े। अब इसका फायदा या नुकसान क्या है, भारत को नुकसान है या फायदा है, और जो देश निवेश करेगा भारत के अंदर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के तहत, उनको फायदा क्या होगा, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के लाभ, तो लाभ दोनों को होंगे साथियों, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, दोनों देशों को इसके अंदर लाभ होते हैं। कैसे लाभ होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विकासशील देश को लाभ। कौन सा देश आपका विकासशील राष्ट्र है, तो विकासशील देश को क्या लाभ होंगे, विकासशील देश को लाभ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे अपन मान लें भारत है अपना, ठीक है। अब उस भारत के अंदर कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर और किसी भी देश की कंपनी के द्वारा, कोई भी देश, मान लो फॉर एग्जाम्पल जापान है, ठीक है ना, तो जापान की मान लो कोई कंपनी है, जेट्रो ही है, कौन सी कंपनी है, जेट्रो, जापान की प्रसिद्ध कंपनी है जेट्रो, ठीक है, जिसने राजस्थान में भयंकर रूप से इन्वेस्टमेंट किया है। और इस जेट्रो कंपनी के द्वारा भारत में मान लो राजस्थान ही है, कौन है, राजस्थान, और राजस्थान के अंदर भाई उसने अच्छा निवेश किया, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। तो पहली चीज़ तो ये कि जापान भारत में पैसा क्यों लगाए, है ना, और भारत जापान को पैसा क्यों लगाने दे, दोनों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है, इसलिए दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, भाई भारत सरकार या राजस्थान सरकार जो है वो जापान की इस कंपनी को कुछ सहायता अपनी ओर से उपलब्ध कराती है, जैसे उससे सस्ते श्रमिक उपलब्ध करवाएगी, इसके अलावा वो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करेंगे, जापान की जो कंपनी है वो भारत के ही कच्चे माल का उपयोग करेगी, जाहिर सी बात है कंपनी यहाँ लग रही है तो जापान से थोड़ी लाएंगे कच्चा माल, ठीक है। साथ में यहाँ की जो बौद्धिक संपदा है श्रम शक्ति के रूप में, उसका भी वो लोग उपयोग करेंगे। इसके अलावा जापान देश को एक नवीन बाजार की प्राप्ति होगी, साथ में विदेशी पूंजी की प्राप्ति भी इस देश को होगी। ये तो फायदे हैं आपके जापान देश को जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है विकसित देश को, ठीक है। साथ में भारत को या राजस्थान को क्या लाभ है, राजस्थान को लाभ होगा पहला कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं चुकाना, ना ही वो पूंजी वापस आपको रिटर्न करनी है, ठीक है। जापान लगा रहा है पैसा, ठीक है भाई तू लगा, हम तुझे ये सुविधा दे रहे हैं, तो अपने स्तर पर काम कर, अपने जो प्रौद्योगिकी ज्ञान है, अपना जो तकनीकी ज्ञान है उसको लगा और यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा कर, उसके आधार पर आप लाभ प्राप्त करें, तो दोनों देशों को लाभ, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसको, भारत को, भारत को क्या लाभ होंगे या राजस्थान को क्या लाभ होंगे, क्योंकि निवेश कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। तो राजस्थान को पहला लाभ क्या है, बिना ब्याज की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी राजस्थान को FDI के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में। पहला लाभ राजस्थान का क्या है, राजस्थान को बिना ब्याज की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी FDI के रूप में, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में। दूसरा लाभ राजस्थान को,
विकसित देश है, जाहिर सी बात है यहाँ का जो टेक्निकल नॉलेज है, यहाँ का जो प्रौद्योगिकी ज्ञान है, नवीन तकनीकी ज्ञान है, वो भारत की तुलना में देशों के पास ज़्यादा है, इसलिए तो विकसित है, वरना भारत भी विकसित होता। ठीक है, तो इन देशों की जो नई तकनीकी है, नई टेक्नोलॉजी है, नवीन इनका प्रौद्योगिकी ज्ञान है, उसको राजस्थान में लाया जाता है, उसको उसका लाभ राजस्थान को क्या होगा, लाभ होगा। इसके अलावा राजस्थान के अंदर रोजगारों में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई कंपनी लगाएंगे, तो काम करने वाले लोग कहाँ के होंगे, उसी लोकल क्षेत्र के होंगे या भारत के होंगे, राजस्थान के होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों की आय स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, और वहाँ का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना यानी कि आर्थिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों देशों को यहाँ पर लाभ होते हैं। ठीक, अपन दोनों देश प्रकार की बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैंने केवल इतनी बात सिखाई है कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और किस प्रकार से लाभ होते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं साथियों यहाँ पर विकासशील देश को होने वाले लाभ के ऊपर। तो विकासशील देश को पहला लाभ क्या होगा, बिना ब्याज की विदेशी मुद्रा, बिना ब्याज की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, बिना ब्याज की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति FDI के रूप में। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, दूसरा लाभ, विकसित राष्ट्रों के नवाचारों, विकसित राष्ट्रों के नवाचारों, नवीन प्रौद्योगिकी व तकनीकी ज्ञान, नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन प्रौद्योगिकी व तकनीकी ज्ञान का लाभ, तकनीकी ज्ञान का लाभ किसको होगा भाई, जहां इन्वेस्ट कर रहा है विकासशील जो देश है उसी को होगा। अगला लाभ क्या है, रोजगार में क्या होगी वृद्धि होगी। और जब रोजगारों में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है गरीबी उन्मूलन होगा, रोजगारों में वृद्धि। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास। तो साथियों ये तो जो सारे के सारे लाभ हैं ये होंगे आपके विकासशील देश को, बिल्कुल ईजी है, आप आराम से इसको समझो। बिना ब्याज की विदेशी मुद्रा मिलेगी विकासशील देश को, दूसरी बात विकसित राष्ट्रों के जो नवाचार हैं, नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकी उनका ज्ञान है उसका लाभ मिलेगा, रोजगारों में भारत के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, गरीबी दूर होगी, अगर रोजगार बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है गरीबी उन्मूलन होगा, और अर्थव्यवस्था का क्या होगा साथियों, विकास होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव पड़ेंगे कब, जब आपके भारत में क्या होगा, जो निवेश होना शुरू हो जाएगा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो नीतियां लागू हुई उनके परिणाम स्वरूप ये प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं साथी, अगले जो बिंदु है उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि विकसित देश को लाभ क्या होगा, विकसित देश को क्या लाभ होंगे, है ना, विकसित देश को लाभ, विकसित देश को लाभ किसके लाभ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का, है ना, विकसित देश को लाभ। तो विकसित देश के लाभ कुछ ज्यादा है विकासशील देश की तुलना में। पहला उसका लाभ होगा नवीन बाजार की प्राप्ति। ठीक है, कैसे, अब भाई भारत के अंदर जापान आकर कंपनी लगा रहा है तो उस कंपनी में जो वस्तु बनेंगी वो भारतीय बाजार में बिकेंगी। एक तो जापान अपने देश से वस्तुएं निर्मित करके भारत के अंदर निर्यात करता तो ट्रांसपोर्ट की लागत लगती या नहीं लगती, लगेगी ना, तो वो ट्रांसपोर्ट की लागत बच जाएगी और भारत के अंदर ही उसे नया मार्केट या नया बाजार जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, वस्तुएं बिकेंगी तो जाहिर सी बात है भारतीय पूंजी
उस कंपनी के पास जाएगी और कंपनी उस पूंजी को कहां भेजेगी, अपने देश के अंदर भेजेगी या जहां पर और अधिक विकास करेगी, कंपनी का रूप विस्तार करेगी, ठीक है। तो दूसरा इसको लाभ क्या है, विदेशी पूंजी की प्राप्ति, विदेशी पूंजी की प्राप्ति होगी। और क्या लाभ होगा, अब ये कंपनी किसी भी वस्तु के निर्माण से संबंधित है, सपोज कर लो कोई भी वस्तु है, लोहा इस्पात उद्योग है या मान लो एल्यूमिनियम उद्योग है या मान लो कोई और कार निर्माण कारखाना है, जैसे आपके अलवर में भी जापान ने होंडा सीएल का कारखाना लगा रखा है, होंडा सिटी का कारखाना लगा है नोएडा यूपी के अंदर, जापान के निमराणा क्षेत्र में पूरा जेट्रो कंपनी ने आधिपत्य स्थापित कर रखा है जिसे अपन जापानी जोन के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो निवेश किया तभी तो हुआ, तो विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर रही है, विदेशी पूंजी प्राप्त कर रही है, साथ में क्या होगा, स्थानीय कच्चे माल, भाई कच्चा माल अपने देश से तो नहीं लाएगा ना, यहीं के कच्चे माल का उपयोग करेगा, स्थानीय कच्चे माल का या संसाधनों का लाभ, संसाधनों का लाभ, ठीक है। अगला क्या लाभ होगा, सस्ती श्रम शक्ति की उपलब्धता, सस्ती श्रम शक्ति की उपलब्धता। अब सीधी सिंपल सी बात है साथियों, अगर कोई देश विकासशील है, है ना, और एक देश विकसित है, तो दोनों देशों की श्रम शक्ति की जो कीमत है वो भी अलग अलग होगी। एक विकसित देश के अंदर काम करने वाला जो श्रमिक है उसकी उसका जो वेतन है वो जाहिर सी बात है भारत में काम करने वाले श्रमिक की तुलना में ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो एक तो जापान अपने देश के अंदर मान लो कोई गाड़ी बनाने का कारखाना उसका लगा है जापान देश के अंदर, है ना, वहाँ काम करने वाले श्रमिकों को वो वेतन चुका रहा है, उसकी तुलना में वही कार बनाने वाला कारखाना अपने भारत के अंदर लगा दिया, राजस्थान में लगा दिया, और यहाँ काम करने वाला जो श्रमिक है आपको उसको उतना वेतन नहीं देना होगा जितना आप जापान वाले श्रमिक को देते हैं, सिंपल बात यह है ना। तो यहाँ पर विकासशील देशों के अंदर, विकासशील देशों में क्या होता है कि श्रम शक्ति तो होती है ज़्यादा और निवेश होता है कम, और इस प्रकार से भारत के अंदर एक बेरोजगारी का रूप भी सामने आता है जिसको हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो भारत के अंदर जो बेरोजगारी का स्वरूप है, बेरोजगारी का प्रकार है, वो कौन से प्रकार की बेरोजगारी भारत में है, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह होती है जहाँ पर श्रम शक्ति की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है लेकिन निवेश इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है वहाँ पर किस प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी वहाँ पर पाई जाती है, और आज आपके भारत में भी संरचनात्मक प्रकार की ही बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो सस्ती श्रम शक्ति इसको उपलब्ध हो गई, अगली बात, अगला इसको लाभ क्या है विकसित देश या विकास विकसित देश को, तो वो क्या लाभ होगा, बौद्धिक संपदा का लाभ। लेकिन ये बौद्धिक संपदा का लाभ किसके रूप में होगा, श्रम शक्ति के रूप में होगा, है ना, श्रम शक्ति के रूप में, ठीक है। तो देखो बौद्धिक संपदा कैसे, जरूरी नहीं है कि जापान के लोग ही बुद्धिमान हों, उन्हीं को सारे बुद्धिमत्ता वाले कार्य करने आते हों, भारतीय लोग भी बुद्धिमान हैं, ऐसी क्या बात है, है ना। तो भारतीय लोग जो बुद्धिमान हैं, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा एडवांस काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं वो भी उनका भी लाभ इन कंपनियों को मिलता है किसके रूप में, बौद्धिक शक्ति का जो बौद्धिक संपदा है उसका लाभ किसके रूप में ले रहे हैं, ये श्रम शक्ति के रूप में, है ना, श्रम शक्ति के रूप में इनको लाभ मिलता है किसका, बौद्धिक संपदा का, ठीक है। तो ये विकसित और विकासशील दोनों देशों को होने वाले प्रमुख क्या हो गए, लाभ हो गए, किसके माध्यम से या किसके थ्रू, तो आपके जो उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ थी उनके माध्यम से। तो पिछली क्लास के अंदर जब हम लोगों ने बात की थी तो मैंने आपको उदारीकरण की परिभाषा, निजीकरण की परिभाषा, वैश्वीकरण की परिभाषा, इन सब के बारे में बताया था, और भारत ने उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण को क्यों लागू किया इस पर भी हम लोगों ने बात की थी। सबसे पहला बिंदु आपका था कि प्रशुल्क या तटकर को कम करना है, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा अवरोधक है, प्रशुल्क या तटकर या टैरिफ, उसको कम किया। दूसरा हम लोगों ने जो उपाय किया वो आयात अभ्यंश यानी मात्रा को समाप्त किया गया। तीसरा उपाय हम लोगों ने किया कि 1994 में तारा पारेकर समिति की सिफारिश पर रुपये को यानी कि भारतीय रुपये को चालू खाते व व्यापार खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय जो है वो किया गया। उसके बाद हम लोगों ने उपाय किया क्या कि भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित उद्योग हैं
उनको निजी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में केवल दो ही उद्योग रखे गए, एक रेलवे, एक परमाणु ऊर्जा उद्योग। उसके बाद हमने बात की कि 1991 के अंदर जब भारत में इन नीतियों को लागू किया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को, तो लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत जो उद्योग आ रहे थे उन सबको लगभग लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया और केवल 5 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गई जिनको लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत रखा गया। इसमें आपने पढ़ा था कि तंबाकू उद्योग है, अल्कोहल उद्योग है, खतरनाक रसायन उद्योग है, विस्फोटक या बारूद उद्योग है, अल्कोहल उद्योग जो है आपका वो है, इसके अलावा आपके एरोस्पेस व रक्षा उपकरण उद्योग थे। ये तो 5 उद्योग थे जिनको अपन ने लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत रखा था। उसके बाद मैंने आपसे आज डिस्कस किया है कि फेरा क्या था और फेमा क्या है, ठीक है। तो फेरा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा क्या, फेरा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, ठीक है, जो आज आपने इसका पूरा नाम सीखा। पूरा नाम क्या है, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, जो कब आता है 1973 में। इसके स्थान पर क्या लाया गया, इसके स्थान पर लाया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय नियमन प्रबंधन अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो है इसे लाया जाता है आपके भारत के अंदर, ठीक है। और फिर हमने बात किया कि इसके स्थान पर इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। अगली बात अपन ने की कि फेमा के प्रावधान, और फेमा के प्रावधान कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है। इससे आप एक बात और भी यहाँ पर याद रखेंगे कि फेमा के जो प्रावधान हैं ये 1 जून 2000 से लागू हुए थे। कब से लागू हुए थे, 1 जून 2000 से लागू हो गए थे। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है साथियों, याद करना इसको कि फेमा 2000 के जो प्रावधान हैं, नियम हैं, उन्हें कब से लागू कर दिया गया था भारत के अंदर। तो 1 जून 2000 से इनको लागू कर दिया गया था। पहला इसका जो नियम है आपके सामने क्या है कि विदेशों में व्यापार करने के उद्देश्य से $25,000 की जो राशि है उसे व्यक्ति अपने साथ ले जा सकता है। दूसरा जो प्रावधान यहाँ किया गया, विदेशों से प्राप्त उपहार या पुरस्कार की राशि की सीमा $1,000 से बढ़ाकर $5,000 कर दी गई। $1,000 की जो राशि है वो फेरा से संबंधित है और फेमा में इसे बढ़ाकर $5,000 कर दिया गया। उसके बाद विदेशों में दान देने की जो सीमा है उसे बढ़ाकर $1,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, $5,000 कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रावधान यहाँ पर किया गया वो प्रावधान क्या था कि विदेशों में जो निवेश करने के उद्देश्य से, आप विदेश में मान लो निवेश करना चाहते हैं तो उस निवेश की सीमा को $1,00,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, $5,00,000 जो है वो कर दिया गया, ठीक। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति फेरा 1973 के नियमों का उल्लंघन किया करता था तो उस व्यक्ति को 5 गुना तो आर्थिक दंड देना होता, साथ में उसे सजा भी भुगतनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन फेमा में क्या किया गया, कुछ बदलाव किए गए और कहा गया कि हम आर्थिक दंड 3 गुना लेंगे, इसके अलावा सजा जो है उसे हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने एक बात इसमें और भी जोड़ दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति 3 गुना आर्थिक दंड नहीं दे पा रहा है तो हम उसे जेल के अंदर सजा भुगताएंगे और वो भी उसके स्वयं के खर्चे पर, ठीक है। तो ये ज़्यादा बढ़िया है। फिर अगली बात क्या था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के क्या लाभ आए, है ना। तो इसके लाभों में दोनों प्रकार के जो देश हैं उन दोनों को ही लाभ होता है, चाहे वो देश विकसित हो चाहे वो देश विकासशील हो। तो पहले हमने बात की कि विकासशील देश को कौन कौन से लाभ होंगे, फॉर एग्जाम्पल भारत, तो बिना ब्याज की क्या प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, किसके रूप में, FDI के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में। दूसरा लाभ क्या होता है कि विकसित राष्ट्रों के जो नवाचार है, नवीन उनका तकनीकी ज्ञान है, नवीन उनका प्रौद्योगिकी ज्ञान है, उसका लाभ विकासशील देशों को प्राप्त होगा। तीसरा लाभ क्या होता है कि यहाँ रोजगार जो है उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, गरीबी उन्मूलन होगा और अर्थव्यवस्था का क्या होगा बेटा, विकास होगा। अब बात आ जाती है विकसित देश को क्या लाभ होंगे, तो नवीन बाजार की उसे प्राप्ति होगी, इसके अलावा विदेशी पूंजी वह प्राप्त करेगा, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करेगा, जहाँ वो निवेश करेगा वहीं के कच्चे माल का उपयोग करेगा, जाहिर सी बात है भारत में ही कच्चे माल का उपयोग करेगा, और भारत की जो श्रम शक्ति है वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में उसकी श्रम शक्ति की जो कीमत है, मूल्य है, वो कम रहेगा, तो सस्ती श्रम शक्ति का उसको क्या होगा, लाभ होगा। और साथ में बौद्धिक संपदा का भी क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है किसके रूप में, श्रम शक्ति के रूप में। तो ये सभी लाभ किसको होते हैं, विकसित देश को होते हैं, ठीक है साथियों। तो ये सारी बात थी बेटा इस बिंदु को लेकर। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है इसी के अंदर, हम एक बिंदु और पढ़ेंगे, WIPO, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देखें बात करते हैं WIPO क्या होता है, WIPO तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये भी आपके इसी से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है साथियों, ये इसका हिंदी में नाम। अगली बात बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, है ना, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना होती है साथियों 14 जुलाई 1967 को, कब होती है 14 जुलाई 1967 को इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। किसकी स्थापना, WIPO की, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ पे है, जेनेवा, मुख्यालय मुख्यालय इसका होता है जेनेवा, और जेनेवा किस में आता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या स्थित है इसका मुख्यालय। तो भाई अब बात समझे, क्या काम करता है WIPO, क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमारे परीक्षा में ये कहाँ काम कर सकता है, क्या इससे सवाल बनेगा। तो सबसे पहली बात तो आपको WPIO का पूरा नाम याद रखना है, साथ में इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय याद रखना है। हिंदी में काफ़ी बार ये सवाल लिख दिया जाता है शब्द कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचका बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 14 जुलाई 1967 को इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये क्या काम करता है साथियों, आप लोगों ने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे आपने शब्द सुना होगा पेटेंट, पेटेंट आपने शब्द सुना होगा, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपने शब्द सुना होगा, कॉपीराइट, कॉपीराइट है ना, आपने कॉपीराइट का मतलब नकली होता है ना, और नवीन आविष्कार, आविष्कार की चोरी, आविष्कार की चोरी, ठीक है। ये कुछ अपराध हैं, अपराध ये कब बनेंगे, देखो पेटेंट का सबसे पहले आप मतलब समझें कि पेटेंट मींस क्या होता है, पेटेंट का अर्थ क्या होता है। पेटेंट का अर्थ होता है बेटा कि मान लो कोई भी वस्तु है, एनीवन, कोई भी वस्तु, विश्व की कोई भी वस्तु है, और उस वस्तु को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो WIPO से, है ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से उस वस्तु का पेटेंट करवा लेता है। पेटेंट कराने का मतलब ये हो गया कि भाई अब उसके बाद उस वस्तु के साथ उस व्यक्ति का नाम जुड़ चुका है, है ना। जैसे आज अपन पढ़ते हैं कि भाई विश्व में सबसे पहले वायुयान का विकास किसने किया, तो वहाँ पर नाम आता है राइट बंधु का, किसका नाम आता है, राइट बंधु का नाम आता है। लेकिन अगर आपको पता हो थोड़ा सा भी, तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि भाई भारत के अंदर तो वायुयान बहुत पहले ही आ गया था, रावण के टाइम पर, रावण के पास पुष्पक विमान था, था नहीं था, था ना, तो उस समय रावण ने उसका पेटेंट नहीं करवाया था, क्या नहीं करवाया था, पेटेंट नहीं करवाया था, वरना आज शायद भारत का नाम आता किसके लिए, वायु परिवहन का विकास करने के लिए, या फिर श्रीलंका का नाम आता वायु परिवहन का विकास करने वाले देशों की श्रेणी में, ठीक है। तो जैसे और विश्व की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका संबंध उस देश के साथ जुड़ गया है कि उस देश के लोगों ने उस वस्तु का सबसे पहले निर्माण किया, तो पेटेंट वो चीज़ है, ठीक है। जैसे आप और एग्जांपल की बात करते हैं, कॉपीराइट आप बहुत बार समझते हैं, कॉपीराइट तो आप बिल्कुल आराम से समझ भी जाएंगे, कॉपीराइट क्या होता है। जैसे कई बार हम यूट्यूब के ऊपर किसी अपने द्वारा बनाए गए वीडियो के अंदर किसी सॉन्ग को डाल लेते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा डाले गए बनाए गए सॉन्ग को आप अपने वीडियो के अंदर अगर मान लो शामिल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से या तो परमिशन लेनी होगी, और अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं और आपने उस सॉन्ग को अगर अपने वीडियो में इंस्टॉल कर लिया और उसे यूट्यूब पर आप डाल रहे हो, तो आपके पास कॉपीराइट का मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि आपने ये जो काम आप कर रहे हैं ये गैरकानूनी है, और इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर हमें वो कॉपीराइट के जो मैसेज आते हैं उनको देखकर उसे हटाना पड़ता है फिर वहाँ से, तो कॉपीराइट ये है। कॉपीराइट भी उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रहा है जिसके द्वारा कोई वस्तु जो है वो बनाई गई है, ये सॉन्ग को लेकर नहीं, किसी भी प्रकार की वस्तु को लेकर हो सकती है। मान लो कोई भी एनीवन चीज़ है, मान लो ये मार्कर ही है, है ना, इस मार्कर का निर्माण किसी कंपनी के द्वारा किया गया, तो अब इस मार्कर का नाम जुड़ चुका है उस कंपनी के साथ, उस कंपनी का कॉपीराइट हो चुका है ये, है ना। ऐसा मार्कर मैं बना तो सकता हूँ लेकिन उस कंपनी के नाम से नहीं बना सकता, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे रेनॉल्ड्स के पेन आते हैं, तो रेनॉल्ड्स के पेन की नकल तो मैं कर सकता हूँ ठीक ठाक, है ना, लेकिन उसको मैं रेनॉल्ड्स का नाम नहीं दे सकता, सिंपल बात आप ये समझो, क्योंकि उस रेनॉल्ड्स ने अपने जो वस्तु है उसका क्या करा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है।
तो आप उसकी नकल नहीं कर सकते। अगर आप नकल कर रहे हैं तो आपके लिए फिर WIPO के अंदर जो कानून है या गैर कानूनी काम जो है वो आपने कर दिया है और आपके विरुद्ध फिर कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई, ठीक है। वो कंपनी आप पर मानहानि का जो केस होता है वो दर्ज कर सकती है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखो साथियों, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो चाहे को पेटेंट हो, पेटेंट भी आप लोग समझ गए होंगे, किसी वस्तु का निर्माण करके उसे अपना नाम दे देना या उसके ऊपर ठप्पा लगवा लेना कि भाई ये तो मेरे नाम से ही चलेगा, है ना। और ऐसे ही क्या है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मतलब होता है व्यापार का मार्का, ठीक है। जैसे आपके राजस्थान में एक तेल उद्योग है इंजन मार्का, तो इंजन मार्का तेल जो आपके फेमस है वो कहाँ का है, भरतपुर का है ना, तो उसके साथ नाम जुड़ गया, उसका ट्रेडमार्क हो चुका है वो, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे बीकानेरी भुजिया है तो बीकानेरी भुजिया ट्रेडमार्क हो चुका है उनका, समझ गए बात मेरी। अब उस प्रकार का प्रोडक्ट कोई बना तो लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको बीकानेरी भुजिया का नाम नहीं दे सकते आप कि ये बीकानेरी भुजिया मैं भी बना रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि उन्होंने ट्रेडमार्क ले रखा है, उसको कॉपीराइट करवा रखा है, आप उसकी नकल नहीं कर सकते। और अगर आप नकल कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध कानूनी जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, ठीक है। ये तो भारत के संदर्भ में, अगर विश्व के किसी भी देश के अंदर, मान लो USA है और USA की कोई भी वस्तु है, मान लो शूज है वहां के, और उन शूज की नकल आपने कर ली, हुबहू वैसा ही नकल करके आपने वैसा ही शूज बना लिया किसी भारत की किसी कंपनी ने, है ना, नकल करके बना लिया शूज, तो और आपने उसको नाम भी दे दिया अपनी कंपनी का, या मान लो इस देश की कंपनी का नाम भी दे दिया। अगर इस देश USA को ये पता चल गया कि भाई भारत के किसी कंपनी ने हमारे इस शूज की नकल की है और उसे वो मार्केट में धड़ल्ले से बेच रहा है ना, तो फिर जो USA है वो किसके थ्रू, WIPO के थ्रू, किसके थ्रू, WIPO के थ्रू उस भारतीय कंपनी पर मानहानि का दावा कर सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये इससे संबंधित हुआ, तो ऐसी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो WIPO क्या करता है, WIPO इन वस्तुओं को, व्यापार से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको कानूनन संरक्षण प्रदान करने का काम करता है, कानूनी संरक्षण देने का काम करता है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने बिंदु के ऊपर, वहीं पर आगे देखो, तो ये आपका WPIO है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, स्थापना होती है 14 जुलाई 1967 को, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। क्या करता है यह, यानी कि WIPO पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट नवीन आविष्कार को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अब ये कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए, कानूनी संरक्षण देने के लिए आपके WPIO ने दो समझौते किए, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये दो समझौते आपके करता है कौन, WIPO। कौन कौन से, एक तो ट्रिप्स नामक समझौता करता है और एक ट्रिम्स नामक समझौता जो है वो करता है, तो दोनों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है बेटा। देखें अगली बात, WIPO द्वारा ट्रिप्स व ट्रिम्स नामक समझौते किए गए, समझौते किए गए अब हम बात करेंगे कि ये ट्रिप्स क्या चीज़ है और ट्रिम्स क्या चीज़ है और इसको लेकर हमारी परीक्षा में किस प्रकार से सवाल जो है वो पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रिप्स और ट्रिम्स दो शब्द आपके सामने हैं, ये दोनों ही वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करने का या सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने का काम करते हैं। अर्थात विश्व के किसी देश के द्वारा बनाई गई किसी वस्तु जो जिसका पेटेंट हो चुका है या जो पेटेंट हो चुकी वस्तु है, उस पेटेंट वस्तु का या उस ट्रेडमार्क वस्तु का या उस कॉपीराइट वस्तु का विश्व के अगर किसी दूसरे देश की संस्था,
किसी दूसरे देश की कंपनी या किसी दूसरे देश के व्यक्ति के द्वारा अगर उनकी नकल की जा रही है, उनके जैसे सामान का निर्माण करके बाजार में विक्रय किया जा रहा है, तो ये कंपनियाँ उस व्यक्ति पर, उस देश की संस्था पर कानूनन कार्यवाही कर सकती है। समझ गए? किसके थ्रू? ट्रिप्स और ट्रिम्स समझौतों के थ्रू। कौन करवाएगा? WIPO करवाएगा। क्लियर है बात? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं सबसे पहले किसको लेकर, आपके ट्रिप्स को लेकर। ट्रिप्स, तो ट्रिप्स की जब भी बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा। किसका अर्थ है? जो ट्रिप्स है इसका अर्थ होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्यापार संबंधी संपदा या बौद्धिक संपदा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था कि ट्रिप्स के माध्यम से क्या किया जाता है, इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व पेटेंट वस्तुओं को कानूनन संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा इसके अंदर? ट्रिप्स के सामने, आपके सामने लिखा है कि इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क व पेटेंट के थ्रू जो वस्तुएं हैं उनको कानूनन क्या देता है, संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब इसका अपन एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है वो पेटेंट वस्तुओं का उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके विरुद्ध अमेरिका जो है वो कार्यवाही करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या इससे संबंधित है। समझे? देखें, अगले बिंदु की मैं बात करता हूं। जैसे यदि किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा अमेरिकी वस्तुओं के व्यापार में व्यापार में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो अमेरिका उसके विरुद्ध सुपर 301 के तहत कार्यवाही करता है। क्या लाइन लिखी है एग्जाम्पल के लिए? लिखा है कि यदि किसी देश की कंपनी या मान लो भारतीय वो देश है ना, भारत के द्वारा या भारत की किसी संस्था या कंपनी या व्यक्ति के द्वारा अमेरिकी वस्तुओं के व्यापार में क्या किया जा रहा है, अवरोध जो है वो उत्पन्न किया जा रहा है, आप उनकी नकल करके बाजार में बेच रहे हैं, तो अगर इस बात का पता चल गया अमेरिका की कंपनी को तो क्या होगा? अमेरिका आपके विरुद्ध सुपर 301 के तहत क्या कर देगा भाई? कार्यवाही कर देगा और आपको मानहानि जो भी उसको नुकसान हुआ है वो उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे 3 गुणा आर्थिक दंड, तो जितना नुकसान आपने पहुँचाया
उसका कितने गुना, तीन गुना, या तो आप आर्थिक दंड दें, नहीं दोगे तो फिर आपको सजा भुगतनी होगी, वो भी स्वयं के खर्चे पर, ठीक है। फेमा 2000 में ये प्रावधान है। अब अगली बात समझो, इसी में एक नियम और है, यदि अमेरिकी पेटेंट धारक को, यदि अमेरिकी पेटेंट धारक को, पेटेंट धारक को किसी देश की कंपनी या व्यक्ति के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो अमेरिका उसके विरुद्ध, तो अमेरिका उसके विरुद्ध स्पेशल 301, स्पेशल 301, स्पेशल 301 के तहत कार्यवाही करता है, ठीक है। तो ये दोनों बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, साथ ही उस प्रकार से कि ट्रिप्स में क्या होता है, ये दो प्रकार के जो आपके सामने नियम है, अगर किसी भी देश की व्यक्ति, संस्था या कंपनी के द्वारा अमेरिकी वस्तुओं के व्यापार में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, तो अमेरिका उसके विरुद्ध सुपर 301 के तहत कानूनी कार्यवाही करता है, और यदि अमेरिका के पेटेंट धारक व्यक्ति को किसी संस्था या देश या व्यक्ति के द्वारा कोई नुकसान पहुंचा दिया जाता है, तो अमेरिका उसके विरुद्ध स्पेशल 301 के तहत या कार्यवाही जो है वो आपकी करता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, ठीक है साथियों। अब अगली बात यहाँ पर आपसे पूछ ली जाती है कि भाई जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स के जो प्रावधान हैं, इनको कब लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रिप्स के साथ ही लिख देंगे, यहाँ पर आप याद रखेंगे ट्रिप्स के प्रावधानों को 1 जनवरी 1996 से लागू किया गया, 1 जनवरी 1996 से लागू किया गया, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है कि ट्रिप्स समझौते जो हैं वो कब लागू किया गया था, 1 जनवरी 1996 को लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले बिंदु को लेकर, ट्रिम्स की बात करते हैं, चलो TRIMS, ट्रिम्स का मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल मेसर्स ठीक है। तो इससे के जो प्रावधान है, प्रावधान लागू कब से हुए, 1994 से, यानी ट्रिप्स को तो देखो हमने पढ़ा था कि ट्रिप्स के जो प्रावधान हैं उनको लागू किया गया था कब से, तो आपके 1996 से, है ना, और इनको लागू किया गया है 1994 से। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखना है ना बेटा, इन्वेस्टमेंट मेजर्स मतलब व्यापार संबंधी निवेश प्रावधान, व्यापार संबंधी निवेश प्रावधान। तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको लागू तो कर दिया गया ट्रिम्स को कब से, 1994 से, एक तो बात ये था आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, तो WTO के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा ट्रिम्स के प्रावधानों का, ट्रिप्स के प्रावधानों का
अनुसरण करते हुए, अनुसरण करते हुए निवेश मानदंडों का, निवेश मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है, सरल सी लाइन है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा इकोनॉमिकल भाषा में लिखा है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है क्या लगे, टफ लगे, है ना। WTO है, उसके सदस्य राष्ट्र के द्वारा ट्रिप्स के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए निवेश मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि आपके फेमा 2000 के अंदर जो प्रावधान रखे गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी देश के अंदर अगर निवेश करना चाहता है तो उसकी सीमा $1,00,000 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, $500,000, तो $500,000 तक तो निवेश कर सकता है, इससे ज़्यादा निवेश नहीं कर सकता, निवेश मानदंड इसको बोल रहा है, ठीक है। निवेश मानदंडों का क्या नहीं कर सकता है, उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो साथियों ये जो हम लोगों ने पढ़ा है सारा, एक क्लास इसकी पहले हुई थी, सेकंड क्लास आपकी ये है, और हमने चैप्टर पढ़ा है उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण। आज आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, इससे संबंधित जो सवाल हैं वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिन पर आप लोग अभ्यास करें आराम से। धन्यवाद।